हालचाल दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से पोस्ट ऑफिस की एक और बेहतरीन सेविंग स्कीम के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि पूरे भारतवर्ष के अंदर अप्लाई की गई है और बहुत सारे लोग इसका फ़ायदा ऑलरेडी उठा रहे हैं। यहां पे आपको अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मिलते ही हैं, 7.5% से भी ज़्यादा, जो कि है 7.7% के अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। साथ में आपको यहाँ पे सेफ्टी तो मिलेगी, साथ में गवर्नमेंट की सिक्योरिटी भी आपको इस वाले अकाउंट के अंदर यानी सेविंग स्कीम के अंदर देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के ऊपर आपको 7.7% के अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं। 1000 रुपये से आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और 100 रुपीज़ के मल्टीपल में इसके अंदर पैसे को डिपॉजिट कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना भी पैसा आप इसके अंदर डिपॉजिट करा सकते हैं। चलिए बात करते हैं कौन लोग इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो कोई भी सिंगल अडल्ट में अगर चाहे तो इस अकाउंट को ओपन कर सकता है, और अगर यहाँ पे कोई भी जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहे तो जॉइंट अकाउंट भी ओपन किया जा सकता है। कोई भी गार्जियन अपना बेटा या बेटी के नाम पे जिसकी उम्र 10 साल है उसके नाम पे भी इस अकाउंट को खोला जा सकता है। वहीं अगर बात करें डिपॉजिट्स के बारे में तो डिपॉजिट आपके रहने वाले 1000 रुपये मिनिमम और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। 100 रुपीज़ के मल्टीपल में कितना भी पैसा आप इसके अंदर डिपॉजिट करा सकते हैं। साथ के साथ मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपको कितने भी नंबर ऑफ़ अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं। जैसा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आप चाहें 2 अकाउंट खोलना तो 2 अकाउंट खोल सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे 4 अकाउंट या 5 अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे अंडर सेक्शन 80C के तहत में इनकम टैक्स बेनिफिट भी आपको मिल जाता है। मैच्योरिटी की बात करेंगे तो मैच्योरिटी आपकी 5 साल के अंदर आपको मिलेगी। 5 साल के बाद आप अपने पैसे को विड्रॉ करके अपने सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं। बात करेंगे प्लेजिंग अकाउंट की, प्लेजिंग अकाउंट के केस के अंदर अगर आपको कभी भी लोन की ज़रूरत होती है या फिर कभी इसको गिरवी रखने की ज़रूरत होती है तो आप इसी सर्टिफिकेट को, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को गिरवी रख के उसके ऊपर पैसे उठा सकते हैं या फिर उससे लोन भी ले सकते हैं। साथ के साथ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप इसके थ्रू ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाती है। प्रीमेच्योर क्लोजर है तो सही, लेकिन मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता कि आपको प्रीमेच्योर क्लोजर कराना चाहिए किसी भी सेविंग स्कीम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपको लोन की फैसिलिटी मिलती है। लोन अगर आप लेना चाहें तो लोन भी आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रीमेच्योर क्लोजर भी आप करा सकते हैं, कंडीशन लेकिन यहाँ पे कुछ होती हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो उस केस के अंदर जो जॉइंट अकाउंट होल्डर है उसकी मौत हो चुकी हो तभी आप कर सकेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे किसी कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि कोर्ट के ऑर्डर से आप इस अकाउंट को क्लोज़ करा सकते हैं। साथ के साथ में अगर मैं बात करता हूँ ट्रांसफ़र एक नाम से दूसरे नाम पे भी किया जा सकता है। किस केस में होगा, ठीक है, डेथ के केस के अंदर होगा। नॉमिनी के नाम पे इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। और अगर अकाउंट होल्डर की अगर मौत हो जाती है तो उस केस के अंदर आप यहाँ पे नॉमिनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सेविंग स्कीम का फ़ायदा भारत के हर राज्य के अंदर उठाया जा सकता है। जहाँ पे भी पोस्ट ऑफिस है उसके अंदर जाकर के आप इस सेविंग स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं, जहाँ पे आपको 7.7% के अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ गवर्नमेंट की सेफ्टी और सिक्योरिटी मिलती है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के साथ में इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इस अकाउंट को अभी ऑनलाइन ओपन नहीं किया जा सकता तो आपको इसके लिए ब्रांच पर ही विजिट करना होगा। भारत के कौन से राज्य से आप इस वीडियो को देख रहे हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।